केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान की कांग्रेस पर गुरुवार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि जिनके नेता मूर्ख हैं उन्हें डर लगता है, हम शेरों की पार्टी की कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, टोंक की देवली में बीजेपी के उम्मीदवार विजय बेंसला और राजसमंद के चारभुजा में पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ईरानी ने विधानसभा चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया। ईरानी ने प्रदेश में एक ऐसी सरकार की अव्यवस्था पर जोर दिया जो महिलाओं सुरक्षा को प्राथमिकता दे। उन्होंने वादा किया बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। ईरानी ने जनता को बीजेपी के सत्ता में आने पर महत्वपूर्ण लाभ देने का आश्वासन दिया, जिनमें किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता में वृद्धि, महिलाओं के लिए किफायती दर पर गैस सिलेंडर, नवजात बच्चों के लिए बीमा और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रैलियों को संबोधित करने वाली थी, लेकिन उनका प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द होने के बाद उनकी जगह ईरानी ने रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता शेर की पार्टी से है और वे डरने वाले नहीं है। ईरानी ने कहा, जिनके नेता मूर्ख है उन्हें डर लगता है, हम शेरों की पार्टी की कार्यकर्ता हैं। आप हमें कितना भी डरा लें, हम डरने वालों में से नहीं है। ईरानी ने कांग्रेस सरकार की निंदा की और महिलाओं से रेप और उन पर अत्याचार के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने इन मुद्दों पर सरकार की चुप्पी की आलोचना की और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सवाल उठाया। ईरानी ने राज्य के मंत्री शांति धारीवाल की मर्दों का प्रदेश वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। धारीवाल ने पिछले साल कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस नेता कहते हैं ये मर्दों का राज्य है। मैं सीएम गहलोत से पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी में कौन नामर्द है जिसे बेटियों से रेप पर गुस्सा नहीं आता है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।